नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। संसद दे बजट दा दूजा पड़ा कल शुरू होवेगा। 6 अप्रैल तक चलने वाले इजलास दौरान कुल 17 मीटिंगां होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी ते गरीबां दी अनदेखी करन दा लगाया दोष। भारत सरकार के युवा संगम प्रोग्राम तहत मणिपुर के विद्यार्थियों ने पंजाब के वख-वख इलाकों का किया दौरा। अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने आस्ट्रेलिया से पहली पारी के आधार पर 91 दौड़ों की बढ़त हासिल की। विराट कोहली ने शानदार 186 दौड़ा बनाई। हुण खबरां विस्तार नाल। संसद दे बजट इजलास दा दूजा पड़ा कल 13 मार्च तों शुरू होवेगा। 6 अप्रैल तक चलण वाले इस इजलास दौरान कुल 17 मीटिंगां होणगियां। बजट इजलास एक महीने की छुट्टी तों बाद मुड़ शुरू हो रहा है। संसद दा बजट इजलास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वल्लों संसद दे दोहां सदनां दी संयुक्त बैठक नूं संबोधन नाल शुरू होया सी। संसद दे बजट इजलास दा पहला पड़ा 13 फरवरी तक चलिया सी, जिस दौरान कुल 10 मीटिंगां होईयां सन। पहले पड़ा दौरान राष्ट्रपति दे भाषण अते केंद्रीय बजट 2023-24 लई धन्नवाद दे मते ते चर्चा कीती गई सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज अपने कर्नाटक दौरे दौरान 16,000 करोड़ रुपए के प्रोजैक्टों का उद्घाटन किया अते नींह पत्थर रख्या। उन्हां बेंगलुरु मैसूरु एक्सप्रैस वे राष्ट्र नूं समर्पित किया। 118 किलोमीटर लंबा यह प्रोजैक्ट 8,480 करोड़ रुपए की कुल लागत नाल विकसित किया गया है। इस एक्सप्रैस वे नाल बेंगलुरु तो मैसूरू का सफ़र 3 घंटे तो घट के सिर्फ 75 मिनट का रह जाएगा। इस मौके मांडिया विखे एक इकट्ठ नूं संबोधन करदिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार लोगों की भलाई का काम करने विच दूजी हुई है, जबकि कांग्रेस पार्टी मोदी की कबर पुट्टन का सुपना देख रही है। उन्हां कांग्रेस पार्टी ते गरीबां दी अनदेखी करन दा दोष लगाया ते कहा कि UPA दे कार्यकाल विच गरीबां दी भलाई ते खर्च होण वाला पैसा कांग्रेस दे भ्रष्टाचार दी भेट चढ़ गया। कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के ते काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरु एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे कांग्रेसियों को पता नहीं है कि देश की करोड़ों माताओं बहनों बेटियां, देश के लोगों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इस तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांडिया पूजन से एक रोड शो में हिस्सा लिया। इस रोड शो में हाजिर वड्डी गिनती विच लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का निघा स्वागत किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की एक मीटिंग हरियाणा के पानीपत शहर में आज शुरू हुई। 14 मार्च तक चलने वाली इस मीटिंग दौरान संघ के काम, विस्तार योजना, सिक्ख्या ते मौजूदा अहम मुद्दों ते विस्तार नाल विचार वटांदरा किया जा रहा है। RSS के सहसर कार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्या ने कहा कि इस मीटिंग में साल भर के लेखे जोखे ते चर्चा की जाएगी। एक साल भर का लेखा जोखा होता है। संघ के शाखा की स्ट्रेंथ, संघ कार्य की स्ट्रेंथ हम लोग चार पद्धति से मेजर करते हैं। एक, कितने स्थानों में संघ कार्य है, दैनिक शाखा चलते ऐसे कितने स्थान है, ये स्थानों में वृद्धि हो यह प्रयास होता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन वख-वख मुद्दों ते वैबिनार राही लोगों नाल अपने विचार सांझे किए। बठिंडा विखे साडे पत्रकार अमृतपाल सिंह नाल गलबात करदिया आम लोगों ने प्रधानमंत्री की इस सोच की शलाघा की अते कहा कि इस नाल नीतियां ते प्रोग्राम हेठले पद्धर तक पहुँचाउण ते लागू करन विच मदद मिलती है। जिहड़े भी उन्होंने योजना बनाईआं ओह हर बंदे नाल पहुँच रही ने ते मैं माननीय श्री मोदी जी का दिल तो शुक्रिया अदा करदा हाँ। तो वो जन कल्याण दे काम करते रहेंगे। अपने जो पहला वो आया सी कोरोना वो सरकार ने यहोजी नीतियां स्वास्थ्य विभाग ने बनाईया मोदी जी दे रहनुमाई च कि उन्हों कंट्रोल कर लिया ते सरकार करोना काल से कामयाब रही ते अपना देश नू अपने सारे लोगों स्वास्थ्य विभाग ने जिन्हें भी साड़िया संस्थावां ने उन्होंने मिल करके ना मोदी जी दे नाल मोड़े तो मोड़ा ला करके ना सेवा की है। जिहड़ा विकास का मॉडल मोदी सरकार ने दिता है वह बहुत ही उत्तम लेवल का विकास का मॉडल है। किन्नियां सड़कां दा जाल हो गया, हज़ारां लखां करोड़ रुपए रेलवे दा हो गया, सड़कां दा हो गया, पुलां दा हो गया, बहुत सारा पैसा मोदी सरकार दे रही है, वो इंप्लीमेंट भी हो रहा है। पर नाल नाल ये भी होना चाहिए विकास के नाल नाल जिहड़ा आम जागरूक इंसान है जिहड़ा सरकार नूं वोट दिंदा है, सरकार जिंदे करके आंदी है, उनका ख्याल रखना भी सरकार का मेन मुख मुद्दा है। मोदी जी की सोच है कि हर घर नूं पीने वाला पानी, हर घर वास्ते वधिया रहने वाली थां, हर परिवार उत्थे साफ सुथरा अनुकूल वातावरण और उहदे नाल नाल जो ये बने ते कमाई दे साधन रुजगार दे मौके पैदा होण, ये सारियां चीज़ां वल ध्यान रख के असी जन कल्याण तक हर वेले कोशिश करके अगे रह के असी उहदे च लगे हुए हैं। पंजाब भारतीय जनता पार्टी के जनरल सकत्तर राजेश बाघा, मीत प्रधान फतेह जंग सिंह बाजवा और जलंधर जिला भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सुशील शर्मा ने कहा है कि पंजाब के मौजूदा हालात बेहद चिंताजनक बन चुके हैं और गैंगस्टर वक्खवादी ताकत वड्डे पद्धर से घटनावां अंजाम दे रही ने जिस नाल लोगों में डर का माहौल बन गया है। जलंधर में अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदे इन आगुआ ने कहा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे से मुख्यमंत्री आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पंजाब पुलिस का मनोबल तोड़न का यत्न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब विखे होले महल्ले एक NRI नौजवान के कतल ने विदेशों में रहिंदे पंजाबी भाईचारे को फिक्रमंद कर दिता है। इस तों इलावा जेलों भी सुरक्षित नहीं ने अते गैंगवार शरेआम देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार वालों पेश अगले वरे के बजट ने भी सारे पंजाबियों को निराश कर दिता है और सरकार अपने चोण वादे पूरे करने में नाकाम रही है। भारत सरकार के सिक्ख्या मंत्रालय के एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम प्रोग्राम तहत पंजाब के एक हफ्ते के विद्यक ते सभ्याचारक दौरे ते आई मणिपुर यूनिवर्सिटी की 30 मैंबरी टीम बीती रात अमृतसर तो वापस मणिपुर लई रवाना हुई। पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी बठिंडा नूं इस दौरे का कोआर्डीनेटर बनाया गया सी। इस टीम ने अपने दौरे दौरान बठिंडा, फिरोजपुर, पटियाला, चंडीगढ़, श्री आनंदपुर साहिब और अमृतसर विखे सिख धर्म के शानदार इतिहास और पंजाब के अमीर सभ्याचार विरसे बारे जानकारी हासिल की। एक रिपोर्ट। ये ने मणिपुर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जिहड़े पंजाब दे एक हफ्ते दे दौरे मगरों मिठिया मिठिया यादा नाल अपने घर परते। वापसी तो पहला इन्हां गुरु की नगरी अमृतसर का दौरा किया जिथे ये श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होए अते कीर्तन सरवण किया। सत श्री अकाल, मेरा नाम नितिन लाइश्रम, मैं मणिपुर यूनिवर्सिटी से आया। आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस युवा संगम। During this short period, I come to know the message about 10 gurus, that is to live in peace, harmony, and to believe in one God. ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। JCP ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਰਿਟਰੀਟ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣੇ। I am very much glad to be here and to be seeing this Punjabi soldiers performing the retreating ceremony. I am very proud of my model in India.
and also to see this Jai Hind. अमृतसर विच आयोजित समाप्ति समागम दौरान पद्म श्री प्रोफेसर हरमोहिंदर सिंह बेदी समेत होरना बुलारिया ने इन्हां विद्यार्थियों नूं सूबे दे इतिहास ते सभ्याचार बारे जाणू करवाया। इस दौरे लई केंद्रीय यूनिवर्सिटी बठिंडा दे नोडल अफसर प्रोफेसर संजीव ठाकुर समेत होर पतवंते इस मौके हाजिर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट नाल शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। केंद्रीय यूनिवर्सिटियां विच दाखले लई होण वाली सांझी यूनिवर्सिटी दाखला प्रीख्या CUET लई ऑनलाइन अर्जियां हुण 30 मार्च तक दित्तियां जा सकणगियां। इस तों पहलां इह समां अज खत्म हो रहा सी। कौमी प्रीख्या एजेंसी NTA अनुसार पहलां भेजियां जा चुकियां अर्जियां दे वेरवे विच वी पहली तों 3 अप्रैल तक सुधार किया जा सकेगा। CUET विच शामिल होण वाले विद्यार्थी वधेरे जानकारी वैबसाइट www.nta.ac.in ਅਤੇ CUET.samarth.ac.in ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੌਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 9 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 571 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 91 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 186 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੇਸ਼ ਅਈਅਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਟ ਦੇ 3 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਕੱਲ੍ਹ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 17 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁਵਾ ਸੰਗਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 91 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬੜਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 186 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।